सांगली पुलिस साधुओं की पिटाई के बाद से एक्शन में जरूर है। सांगली के एसपी कह रहे हैं कि साधुओं ने वारदात की कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने कहा कि लोग बच्चा चोरी की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें, और जैसा कि हमने आपको बताया, इन साधुओं की तरफ से उनके साथ हुई मारपीट पर, इस वारदात पर कोई तहरीर भी नहीं दी गई थी, लेकिन पुलिस ने खुद इस पर एक्शन लिया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस उस स्पॉट पे गई और उन साधुओं को हॉस्पिटल ले जाकर उनका औषध उपचार करा के उनको उनसे घटना जो हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन ली गई। उन साधुओं को आगे मंदिर जाना था, इस वजह से वो कंप्लेंट उन्होंने नहीं दिया। इस घटना की पुलिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। उमदी पुलिस स्टेशन के हद्दी में हर्ट और रायट सेक्शन अप्लाई करके ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। 6 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है और जो इतर अक्यूज्ड है उनको ढूंढने का काम चल रहा है और जल्दी हम इधर अक्यूज्ड को भी अरेस्ट करेंगे। सबसे ये कोई कृपया किसी अफवाह पे बिलीव ना करें। विदाउट वेरिफिकेशन कोई वीडियोस जो है वो वायरल या फॉरवर्ड ना करें। पुलिस के पास ऑथेंटिक वीडियो है, उस वीडियो के आधार पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया है और उसी वीडियो के आधार हम अक्यूज को भी अरेस्ट कर रहे हैं। कुछ अक्यूज को अरेस्ट किए हैं, कुछ अक्यूज को हम अरेस्ट कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया कोई रूमर्स ना फैलाएं और वीडियोस जो हैं वो वेरीफाई करके ही उसकी दखल लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।